झमरेतलैया शहर के झलपो निवासी एक परिवार के घर एक साथ तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी है। आमतौर पर किसी महिला को जुड़वा बच्चा होना अब आम बात सी हो गई है, लेकिन महिला के द्वारा दो से अधिक बच्चों को जन्म देने पर यह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के उजाला कॉम्प्लेक्स में जूता दुकान के संचालक बच्चों के पिता मोहम्मद निसार ने बताया कि यह उनकी पत्नी का पहला प्रसव है। एक साथ तीन बच्चों की किलकारियां गूंजने से परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में फिरदौस सभा से उनकी शादी हुई थी। प्रसव पीड़ा होने पर उन्होंने अपनी पत्नी को होप हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां महिला चिकित्सक डॉक्टर रचना गुप्ता के द्वारा सिजेरियन के माध्यम से महिला का डिलीवरी कराया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। दो बच्चों का वजन 2-2 किलो जबकि एक बच्चे का वजन 1 किलो 700 ग्राम के आसपास है। तीनों पुत्र हैं। जन्म के बाद तीनों बच्चों को जिले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश कुमार पंडित के महावीर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों को NICU में रखा गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश कुमार पंडित ने बताया कि जन्म के बाद बच्चों को हॉस्पिटल में लाया गया था, तब बच्चे काफ़ी कमज़ोर थे। इलाज और बेहतर देखभाल के बाद बच्चों की स्थिति अब बिल्कुल ठीक है। 1-2 दिनों में बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं बच्चों को देखने और उनके परिजनों से मिलने समाज सेवी विशाल भदानी भारतीय और प्रोफेसर राखी भदानी समेत अन्य महावीर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचे और हालचाल जाना। बच्चे बहुत कमजोर थे, जन्म के समय सुस्त, तीनों बच्चे सुस्त थे और गुलू थे। अभी धीरे धीरे इलाज के बाद नॉर्मल हो रहे हैं। अभी तीनों बच्चे माँ का दूध अपने से पी रहे हैं और अच्छी कंडीशन में है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो गए। एक साथ तीन पुत्र आपको, परिवार में कितनी खुशी है? परिवार में बहुत खुशी है। कहाँ पे ऑपरेशन हुआ, बच्चे की स्थिति अभी क्या है? ऑपरेशन होप हॉस्पिटल में हुई 12 तारीख को। बच्चा भी कहाँ है? बच्चा भी नरेश कुमार पंडित के पास है। क्या स्थिति है बच्चे? बच्चे की स्थिति भी ठीक है, हो सकता है कल छुट्टी हो जाए। ऑपरेशन से हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ था। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।